हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आईपीएल का सीजन चल रहा है, बट आपका टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी है, अभी 2024 में जून में शुरू होने वाला है। तो ये एक स्लॉट ऐसा है ऑलराउंडर, स्पिन की ऑलराउंडर, आपके पास एक रविंद्र जडेजा है, दूसरी तरफ अक्षर पटेल हैं। तो इस दो प्लेयरों में से कौन सा ऐसा प्लेयर है कि आपको वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए पहले नंबर, ये इस पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस आगे अपना ओपिनियन दूंगा, आपका भी ओपिनियन पूछूंगा। पहले मैं स्टैट्स डिस्कस करूंगा, आईपीएल का भी डिस्कस करूंगा, इंटरनेशनल का भी डिस्कस करूंगा कि दोनों में क्या है, क्या रविंद्र जडेजा ने टी20 में खास कर करके दिया है, क्या अक्षर पटेल ने करके दिया है, क्या अक्षर पटेल का फॉर्म बेटर है। चलिए बात कर लेते हैं पहले अपने भैया रविंद्र जडेजा से, क्योंकि आईपीएल 2008 से खेल रहे हैं और ये चेन्नई से खेलते हुए, और आईपीएल में उन्होंने अभी तक 234 मैच खेले हैं रविंद्र जडेजा, टोटल 234 मैच खेले हैं, और इनका जो रन है 2849 रन है, हाईएस्ट 62 है, जिनका एवरेज है 27 का, और स्ट्राइक रेट 128 का, जो बिलो कह सकते हो रविंद्र जडेजा के हिसाब से 128 का स्ट्राइक रेट तो भाई मतलब कुछ भी नहीं है, और सेंचुरी भी मतलब कुछ भी नहीं है, 3 हाफ सेंचुरी है जहाँ जिस नंबर पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये तो हो गई इनकी जो बैटिंग कैरियर है, अब बॉलिंग कैरियर एज ए बॉलर देखा जाए, 234 मैच में इन्होंने आप ऑलमोस्ट 3700 बॉल फेंका है, जिसमें 4700 रन दिए हैं, 156 विकेट है, यानी 234 मैचों में 156 विकेट है, जो मैं कह सकते हो ऑलमोस्ट कह सकते हो 30 का एवरेज है। कमी बात किया जाए 7.61 का एवरेज है, जो आईपीएल का एवरेज है, ठीक है। तो इनका करंट फॉर्म बात किया जाए, 8 मैचों में इन्होंने अभी 4 विकेट लिया है, 53 का एवरेज है और 8 का इकोनॉमी है, ठीक है। और बैटिंग की बात किया जाए, अभी करंट आईपीएल की बात किया जाए, इन्होंने 8 मैचों में 157 रन, जिसमें 78 का एवरेज है और 131 का स्ट्राइक रेट है, जो कोई खास नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई बात अभी आईपीएल की। अब रविंद्र जडेजा की बात किया जाए, इंटरनेशनल में क्या प्रदर्शन किए हैं भैया, क्योंकि भाई हमारा इंटरनेशनल से भी तो कंपेयर करना है ना, क्योंकि इंटरनेशनल के बिना तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो इंटरनेशनल में पहले देख लेते हैं रविंद्र जडेजा को, उसके बाद हम अक्षर पटेल पे बात कर लेंगे। रविंद्र जडेजा की बात की जाए, बैटिंग में बात किया जाए, इन्होंने 36 मैच खेले हैं, 36 मैचों में एक बार 36 मैच एक बार देख लेते हैं रविंद्र जडेजा का स्टैट, रविंद्र जडेजा का स्टैट क्या है, रविंद्र जडेजा एक मतलब मैं कहूँगा कि यार देखो, मैं कहूँगा कि टेस्ट की बात करूँ, कभी ओडीआई की बात करूँ, नो डाउट इज़ द गुड प्लेयर, बट टी20 में मुझे अभी जितना उन्होंने करके कुछ खास दिया नहीं है, बट स्टैट्स पे बात करूँ तो आपको गुस्सा ना हो, उन्होंने इंडिया टी20 टोटल ऐसे कितना बहुत कम खेले हैं क्या, टी20 का स्टैट इनका कितना है आप लोगों को पता है, आप लोग कमेंट करो। तो अब 100 टी20 में इनकी 66 मैच है, 66 मैच है, राउंड 66 मैच है रविंद्र जडेजा के, और 66 मैचों में इनके ऑलमोस्ट 480 रन है, जो कोई खास नहीं कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है रविंद्र जडेजा का स्टैट है, ठीक है। तो रविंद्र जडेजा की बात की जाए, टी20 में 66 मैचों में 36 इनिंग मिला है, 15 बार नॉट आउट हैं, 480 रन है, जिसमें बात किया जाए 46 हाईएस्ट है, 22 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 125 का है, जो बहुत बिलो एवरेज है, बिलो है इतना तो भाई कुछ भी नहीं है, जैसे रविंद्र जडेजा की कैपेबिलिटी है जैसे है, ठीक है। तो और विकेट की बात किया जाए, विकेट उन्होंने टी20 66 मैचों में 53 विकेट लिए हैं, 53 विकेटों में इनका 28 का एवरेज है और 7.1 का इकोनॉमी है। तो ये रविंद्र जडेजा का स्टैट्स है। अब चलते हैं हमारे अक्षर पटेल भैया के ऊपर। अक्षर पटेल क्या है, अक्षर पटेल की दुनिया, पहले नंबर अक्षर पटेल की बात किया जाए, अभी 145 मैच ऑलमोस्ट खेल चुके हैं कैरियर में, 145 मैच इन्होंने खेला है। जो इनकी बैटिंग की बात किया जाए, 145 मैचों में 34 बार नॉट आउट हैं, 1541 रन है, 66 नॉट आउट है, 20 का एवरेज है और 130 यानी 131 का स्ट्राइक रेट है, यानी रविंद्र जडेजा से थोड़ा सा ऊपर का स्ट्राइक रेट है। 2024 की बात किया जाए, 132 का स्ट्राइक रेट है, 24 का एवरेज है, जो अभी कल के मैच में ही उन्होंने अच्छा खासा रन भी मारा है, ठीक है।
और बात किया जाए बॉलिंग में, बात किया जाए 145 मैचों में 119 विकेट है, 119 विकेट है। वहीं बात किया जाए आपके रविंद्र जडेजा का टोटल नंबर ऑफ विकेट कितना है, 156 विकेट है 234 मैचों में। तो देख सकते हो अक्षर पटेल की जो देखोगे तो एक अच्छा है, अक्षर पटेल का 145, 30 का एवरेज है, 7.23 का इकोनॉमी है, मतलब इक्वल है। तो अभी करंटली फॉर्म मुझे जो लगता है कि रविंद्र जडेजा से ज़्यादा अच्छा आपका अक्षर पटेल है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि आपको रिस्क लेना चाहिए, रविंद्र जडेजा को वर्ल्ड कप में नहीं ले जाना चाहिए। आप लोगों का क्या है? इस बार इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल में रविंद्र जडेजा का क्या स्थिति है, अक्षर पटेल का, सॉरी, अक्षर पटेल ने अभी तक T20 52 मैच खेला है, 50 इनिंग में 979 बॉल्स खेले हैं, 1146 रन बनाए हैं। नहीं, इनकी जो बॉलिंग की बात किया जाए, 49 विकेट लिए हैं 52 मैचों में, 24 का एवरेज है और जिसमें 7.26 का इकनॉमी है, अच्छा है। और बैटिंग की बात किया जाए, बैटिंग में 361 है, 65 हाईएस्ट, बहुत मैच ऐसे भाई क्रिटिकल फेज में लाकर उन्होंने जिताया भी है। तो भाई ओवरऑल अब देखो समअप किया जाए तो यार देखोगे यार मुझे जो लगता है इस बार रविंद्र जडेजा को नहीं ले जाना चाहिए, आपको अक्षर पटेल को ले जाना चाहिए। क्योंकि यार अक्षर पटेल यार देखो भाई आप उसी से बार 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 उसी प्लेयरों को खिलाते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। रविंद्र जडेजा जितना करना था कर दी, कोई वर्ल्ड कप जिताए नहीं है, ठीक है। आप अक्षर पटेल को ट्राई करो, क्योंकि यार अगर नहीं ट्राई करोगे तो भाई उसी में ज़िंदगी जीते रहोगे, तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हो। तो चीज़ें यही है कि मुझे लगता है कि अक्षर पटेल इज़ फार बेटर देन रविंद्र जडेजा एज ए फील्डिंग। मैं मानता हूँ रविंद्र जडेजा इज टू गुड, बट बैटिंग और बॉलिंग में बात करूं तो अभी अक्षर पटेल ज़्यादा ऊपर है। आप लोगों को क्या लगता है किसको ले जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा T20 वर्ल्ड कप में। मेरा तो यही ओपिनियन है। थैंक यू।